ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारी ट्रेनिंग है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उस पर टॉपिक बेसिकली रिक्रूटिंग योर को फाउंडर है, बट आई एम स्टार्टिंग जो हमने इससे पहले इसी टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग की थी, और मैं चाहता हूँ कि हम पहले एक क्विकली जो हमारी पिछली ट्रेनिंग थी उससे एक बहुत तेजी के साथ गुजरें, और ताकि आप लोग सब चीजें आपके जहन में आ जाएं, आपको याद आ जाए, और फिर उसके बाद हम अच्छा आप लोग अपने माइक्रोफोन प्लीज म्यूट कर सकते हैं। ओके सो वी विल गो थ्रू दिस फर्स्ट एंड देन वी विल लुक इनटू हाउ यू कैन गो अबाउट रिक्रूटिंग योर को-फाउंडर। सो As you guys remember my previous training के top reasons जिसकी वजह से startup fail होती है उसमें number 3 के ऊपर not the right team, no market need is number 1। जो हम अभी आपका जो ideation का phase है इसका मकसद ये है कि ये number 1 failure का जो reason है इसको हम address कर सकें। no market need, हम ideation के phase में आपको force कर रहे हैं कि आप अपने idea के बारे में सोचें, अपने customer के बारे में सोचें, अपने customer से बात करें, ताकि आपको अंदाजा हो कि जो आप करने जा रहे हैं उसकी कोई नीड है कि नहीं है। तो ये नंबर 1 है। नंबर 2 प्रॉब्लम रन आउट ऑफ कैश। हम क्या कर रहे हैं आपको कि हम आपको पूरे आइडिएशन फेज से गुजार रहे हैं एक पैसा खर्च हुए बगैर, आपका कोई पैसा नहीं खर्च हुआ। मकसद इसका ये है कि आप अपने कैश को ज्यादा से ज्यादा संभाल कर रखें। नंबर 3 नॉट द राइट टीम, और इंशाल्लाह जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा और जो आप इसके ऊपर प्रैक्टिसेस को बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल स्टे सेफ। नॉट द राइट टीम के कई एक प्रॉब्लम्स होते हैं जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने से कम किए जा सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज टाइम टू रिक्रूट, कब आपने अपने को फाउंडर को रिक्रूट करना है। नंबर 1 द अपॉर्चुनिटी शुड बी क्लियर टू यू, क्या अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर आप जा रहे हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज क्लियर टू यू कि क्या प्रॉब्लम है जो सॉल्व करने जा रहे हैं। सोल्यूशन इज इन साइट, आपको पता हो रफली के सोल्यूशन ऐसे आएगी। कस्टमर डिफाइन हो और उसकी नीड्स आइडेंटिफाई हो। नीड्स आइडेंटिफाई का मतलब ये है कि कस्टमर ने आपको कह दिया है कि यस अगर तुम इस प्रॉब्लम सॉल्व करोगे या फिर तुम जो कुछ कर रहे हो वो करोगे उससे मेरी कोई नीड फुलफिल होगी। तो ये जब तक की ना हो, जब तक की को-फाउंडर के पास जाना, उसको रिक्रूट करना आपके लिए ज्यादा मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि आपका जो बिजनेस प्लान है, आपका जो आइडिया है वो क्लियर नहीं। दूसरा जो मेन चीज है कि क्या आपको टीम हकीकत में चाहिए, तो उसके लिए आपको अपनी स्टार्टअप के 4 एरियाज को देखना होगा कि उनके अंदर आपकी क्या नॉलेज है और कहाँ पे आपकी नॉलेज कम है, कहाँ पे आपकी नॉलेज ज्यादा है। तो 4 एरियाज हैं। कस्टमर की नॉलेज नंबर 1, कि आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर कौन है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। ये जिस किसी को आपकी टीम के अंदर बहुत इन डेप्थ पता होना चाहिए और कस्टमर तक उसकी आउटरीच होनी चाहिए। नंबर 2 प्रोडक्ट नॉलेज, कि क्या बनाना क्या है, आखिर क्या चीज डेवलप करेंगे, क्या आप बनाएंगे, क्या आपने कोई मशीन बनानी है, क्या आपने दुकान खोलनी है, कोई आपने क्या करना क्या है, उसका आउटकम क्या है, वो कौन बिल्ड करेगा, वो कौन करेगा। अगर दुकान खोलनी है तो क्या आपको दुकान खोलने का तजुर्बा है, नहीं है तो क्या आपके पास कोई आसपास में ऐसा शख्स है जो आपको उसकी मदद कर सकता है। फिर तीसरी चीज स्टार्टअप की नॉलेज, कि एक कंपनी जो स्टार्ट करने के लिए जो प्रॉब्लम्स होती है वो डिफरेंट होती है उस कंपनी के मुकाबले में जो कंपनी सेट हो चुकी होती है, तो उसके बारे में आपको कितनी मालूम है। और इन्वेस्टर नॉलेज, कि इन्वेस्टर्स जो आपकी कंपनी में पोटेंशियली पैसे लगा सकते हैं उनके बारे में आपको कितनी नॉलेज है। ये 4 एरियाज हैं। अब इम्कान ये है कि इनमें से किसी एक एरिया में आपके पास बहुत नॉलेज होगी और बाकी 3 एरियाज के अंदर आपके पास ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। ऐसे ही इंसानों के साथ आमतौर पर होता है, इसलिए आपको को-फाउंडर चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आप ये सारे काम खुद कर सकते हैं तो आप गलत सोचते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये सारे काम खुद कर रहे हैं सारे के सारे, इट्स डिफिकल्ट। दिस इज द रीजन कि हमको टीम बनानी पड़ती है, हमको लोग लाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये आप इसलिए आपको चाहिए। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं कि किस किस्म की नॉलेज आपको चाहिए लोगों के साथ, उसके अंदर
भी थोड़े से एरियाज हैं कि कस्टमर परस्पेक्टिव, जैसे मैंने बताया कस्टमर नॉलेज नंबर वन था, प्रोडक्ट परस्पेक्टिव प्रोडक्ट सर्विस डेवलपमेंट का जो दूसरा था, स्टार्टअप नॉलेज तीसरा था, इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव चौथा था। इसके अलावा तीन और हैं नॉलेज एरियाज जो आपने अपनी टीम के अंदर कवर करने हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हर नॉलेज एरिया के लिए आपके पास अलग आदमी है, एक इंसान के पास मल्टीपल एरियाज के अंदर भी डीप नॉलेज हो सकती है। तो टेक्नोलॉजी नॉलेज, ऑपरेशनल नॉलेज एंड बिजनेस प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग, ये तीन एडिशनल चीजें हैं जो आपको चाहिए अपनी टीम को एक बिल्कुल बैलेंस्ड टीम बनाने के लिए। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम ऑफ नॉलेज आपने कवर करना है और ये एक्सपीरियंस या क्या कहते हैं एरियाज जिनके अंदर आपको लोग चाहिए काम करने के लिए, ये आपने कवर करना है। टीम मेंबर की कई किस्में होती हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। इनफॉर्मल टीम मेंबर्स में दो किस्में हैं, एक वो है जैसे आपके दोस्त जिनका हमेशा जाते हैं, आप अपना आइडिया बताते हैं, हाँ भाई क्या ख्याल है इस आइडिया के बारे में, सो दे आर कॉल्ड साउंडिंग बोर्ड। साउंडिंग बोर्ड आपके करीबी दोस्त, आपके मेंटोर्स, ऐसे लोग जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ये आपके होते हैं जिनके पास उस एरिया पे शायद तजुर्बा भी होता है जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, और आप उनको अपना आइडिया बताते हैं, उनसे उनका ओपिनियन लेते हैं। फिर इनफॉर्मल के अंदर आपके सोशल एम्पलीफायर्स, सपोर्टर्स, कनेक्टर्स आते हैं, ये वो लोग हैं जो शायद आपके आइडिया के बारे में तो ज्यादा नहीं जानते होंगे, आपको जानते होंगे लेकिन उनकी सोशल आउटरीच ज्यादा होगी, उनकी क्या कहते हैं अपना लोगों के साथ कनेक्शन बहुत ज्यादा होंगे, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं फाइंड करने में कि ये इन्वेस्टर है, अभी को फाउंडर आप ढूंढ रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं यार किसी को जानते हो जिसको ये तजर्बा हो। ठीक है ना, उसके बाद फॉर्मल के अंदर आपके पास दो फॉर्मल ऐसे हैं जो आपके साथ बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे लेकिन थोड़ा बहुत टाइम उनका आपके लिए बहुत होगा, मेंटोर्स या एडवाइजरी बोर्ड मेंबर। तो ये वो लोग हैं जिनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, 20 साल का 30 साल का एक्सपीरियंस है, डीप नॉलेज है उनको, एंड आइडियली दे विल बी फ्रॉम वन ऑफ द फोर एरियाज जो मैंने पहले बयान किए थे, उनमें से किसी एक एरिया के। तो ये आपके फॉर्मल टीम मेंबर हो सकते हैं। उसके बाद फॉर्मल टीम मेंबर्स में आपके पास फॉर्मल को फाउंडर हैं, ये वो हैं जो आपके साथ मिलकर स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं। फिर आपकी फाउंडिंग टीम मेंबर यानी वो इम्प्लॉयज हैं जिनको दे रहे तो आप सैलरी हैं लेकिन शायद कम सैलरी दे रहे हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ग्रो करेंगे, तो फाउंडिंग टीम मेंबर्स हैं आपके। फिर आपके बोर्ड मेंबर्स हैं फॉर्मल, जो कि आमतौर पर एक कंपनी का बोर्ड मुनासिब नहीं है कि बहुत अर्ली बनाए, अमरीकन उसके अंदर, यहाँ पाकिस्तान में तो आप ऐसी सी कंपनी रजिस्टर ही नहीं करा सकते विदाउट द बोर्ड मेंबर, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप अपने बोर्ड की कॉम्पोजिशन क्या रखें। और फिर आपके फॉर्मल पार्टनर्स हो सकते हैं जैसे इंक्यूबेटर्स हैं, अर्ली डॉक्टर्स हैं, एक्सेलेटर्स हैं, आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ थोड़ी सी इक्विटी देकर पार्टनरशिप कर सकते हैं और उससे आपकी स्टार्टअप कंपनी को काफी बूस्ट मिल सकता है। इंक्यूबेटर्स आपसे इक्विटी लेते हैं इसीलिए कि उनकी इक्विटी जब आती है तो एक एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन आपकी शेयर होल्डर्स में शामिल होती है। फिर जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं किसी कस्टमर के लिए तो आप जो शुरू के कस्टमर्स हैं उनको कुछ एक्टिविटी दे सकते हैं चाहें और उनको भी फॉर्मली अपने साथ पार्टनर बना सकते हैं, ये एक्सेलरेटर्स जो इंक्यूबेटर्स की तरह जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के टीम मेंबर्स हैं जो ये टीम मेंबर्स मुख्तलिफ टाइप्स की कमिटमेंट करते हैं। इनको बुनियादी तौर पर इन कमिटमेंट्स को दो एरियाज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, टाइम बेस्ड जिसको आप कहें कि उसमें कोई क्लियरिटी नहीं है कि मैं 8 घंटे दूंगा 10 घंटे दूंगा पर हफ्ता पर महीना वगैरह। अच्छा, टाइम बेस्ड जो है बहुत ही लो वैल्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है क्योंकि आप अगर तो जो बंदा टाइम दे रहा है वो मोटिवेटेड नहीं है, वो फोकस नहीं है, तो वो 8 घंटे अगर दे भी रहा है और कुछ नहीं कर रहा तो उसको कोई फायदा नहीं है। दूसरा जो कमिटमेंट है वो डिलीवरेबल या आउटकम बेस्ड है, यानी फॉर एग्जाम्पल आप किसी टीम मेंबर को लेकर आ रहे हैं जिसके पास इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस है और वो इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, तो आपने उस आप उसको कहेंगे ठीक है जी देखो हमें पहले राउंड के अंदर $1,00,000 रेज करने हैं, दूसरे राउंड में $1,000,000 रेज करने हैं, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको रेज करो, तो अगर तुम रेज करोगे तो तुम्हें इक्विटी मिलेगी, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। तो देन इट बिकम्स वेरी क्लियर कि वो एक वैल्यू एड करेंगे अब कंपनी के अंदर तो उनको वैल्यू मिलेगी, नहीं तो उनको इक्विटी नहीं मिलेगी। टाइम बेस में ये है कि उन्होंने अपना टाइम पूरा कर दिया, काम किया नहीं
इक्विटी को फिर भी दे लेंगे अपने क्लाइंट में, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने डिलीवरेबल बेस्ड किसी के साथ कमिटमेंट देनी है या टाइम बेस्ड देनी है। ये जरूरी नहीं है कि हर एक डिलीवरेबल बेस ही करे, टाइम बेस भी की जा सकती है, लेकिन देन यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू डूइंग। अगर आउटकम बेस्ड आप कमिटमेंट चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप उनसे क्या एग्जैक्टली चाह रहे हैं, उसके स्कोप क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस काम को करने के लिए किन किन माइलस्टोन से गुजरना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा और उसकी प्रोग्रेस के परफॉर्मेंस के क्या इंडिकेटर्स होंगे और सक्सेस का क्या क्राइटेरिया होगा। और लास्ट चीज, जब आप किसी को ये काम दे रहे हैं तो उसकी कॉस्ट अगर वो बाहर की जाए तो कितनी है। मिसाल के तौर पे आप एक डेवलपर को लेना चाह रहे हैं क्योंकि आपको एक ऐप बनानी है, आपको ऐप बनानी नहीं आती, आप एक डेवलपर चाह रहे हैं। अब वो डेवलपर आएगा और वो ये सारा वो ऐप बना के आपको देगा, उस ऐप की वैल्यू उतनी होगी जितनी अगर वो किसी को पैसे देके आप ऐप बनवाते और वो आपको पैसे कैश देने पड़ते, वो उसकी वैल्यू है। तो अगर फर्ज करें कि एक आदमी आता है और वो कहता है कि जी मैं आपकी ऐप बना सकता हूँ और लेकिन आप मुझे 50% अपनी कंपनी की एक्विटी दें, तो वो ऐप कंपनी की 50% वैल्यू तो नहीं है। आपने बाहर से पूछा तो पता चला कि जी वो ऐप बन जाएगी 2 लाख रुपये। तो अब वो जो आदमी आपके पास आ रहा है और जो कुछ वो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी कैश वैल्यू जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी निगोसिएशन के अंदर काम आएगी। एक्विटी के अंदर आप कभी उसको ये नहीं कहते कि क्या कहते हैं अपना विदाउट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू द देयर कंट्रीब्यूटिंग, आप नहीं कह सकते कि आपको कितने कितनी दी जाएगी। तो लिहाजा ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वो है, हमने आपको इसके लिए टूल भी प्रोवाइड किया एक्विटी कैलकुलेशन के लिए। फिर जो वो काम करेंगे, जो वो कमिटमेंट करेंगे टाइम या डिलीवरेबल, उसकी बेस के ऊपर उनको क्या कंपनसेशन में आप रिटर्न में क्या दे सकते हैं, ठीक है ना। तो कंपनसेशन के अंदर बेसिकली ये मेरी स्लाइड डेक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट टाइम भी यही हुआ था, मैं भूल गया, आई एम सॉरी। तो कंपनसेशन के अंदर बेसिकली आपके पास एक तो ये कि आप पैसे दे सकते हैं, यानी आप कंपनसेशन में कह सकते हैं कैश, इतना कैश है। दूसरा आप कंपनसेशन के अंदर एक्विटी दे सकते हैं कि मैं तुम्हें अपने शेयर दूंगा, ठीक है। तीसरा आप कंपनसेशन के अंदर आप रिकग्निशन दे सकते हैं कि जी मैं आपको रिकग्नाइज कर दूंगा। चौथा आप कंपनसेशन में उसको क्या कहते हैं अपना कोई इंटेंजिबल वैल्यू दे सकते हैं, कोई और आप ये भी कह सकते हैं कि मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, तुम मेरा ये काम कर दूंगा, जिसको बार्टर कहते हैं। सो दीज आर ऑल डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ कंपनसेशन। यू नीड टू अंडरस्टैंड अगेन एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू स्पेंड लेस कैश, दैट्स योर गोल, क्योंकि रनिंग आउट ऑफ कैश इज द सेकेंड बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो ट्रेड कैश विद एनीथिंग, नंबर वन। नंबर टू, अंडरस्टैंड दैट एक्विटी कैन बी गिवन ओनली वंस, so you use that equity very carefully. Reward or barter is a good thing. अगर आप कोई reward कर सकते हैं या barter कर सकते हैं, that's a very good thing to do, कि आप कोई काम करें वो कोई आपको काम करें। बारह एनीवेज ये आपसे मुख्तलिफ तरीके का है। एक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन जहां तक की बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने आपको टूल भी दिया है। एक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बेसिकली द बेस्ट थिंग इज टू मेक अ लिस्ट ऑफ एवरी सिंगल पर्सन दैट यू थिंक दैट यू नीड हेल्प फ्रॉम, एंड देन टेक योर 100% एक्विटी एंड देन स्टार्ट बिल्डिंग दोज बकेट्स और पॉट्स इन विच यू विल गिव दैट एक्विटी। तो जब आप किसी के साथ एक्विटी की निगोसिएशन करने जाएंगे तो वो निगोसिएशन सिर्फ एक आदमी के साथ नहीं है कि आप दो मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो जी 50% कंपनी आप मुझे दे दें, 50% आप कर दें, ये नहीं है। उसके सामने आपको पूरी पिक्चर रखनी पड़ेगी कि भाई तुम अकेले नहीं हो, ये 10 लोग और हैं जिनके साथ मुझे काम करना है, उनको भी एक्विटी देनी है, तो तुम्हें मैं तो 50% तो नहीं एक्विटी दे सकता। यू हैव टू हैव दैट शीट इन योर हैंड टू बी एबल टू निगोशिएट, अदरवाइज आप निगोशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी पर्सन क्या वैल्यू लेकर आ, ठीक है ना, उसी के हिसाब से। एक जब हमने आपको एक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्टेप है उसके अंदर हमने आपको एक टूल भी दिया है जिसमें आप सवालों के जवाब देकर फिर तो उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं साहब कि एक्विटी का क्या वैल्यू होगी, किस तरीके से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी।
ठीक है, एक और अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप बजाय इसके कि एक्विटी शेयर्स की सूरत में दें, आप एक्विटी जो है वो कन्वर्टेबल डेट की सूरत में दें। यानी आप कहें कि जी, जैसे मैंने आपको ऐप की मिसाल दी, तो फर्ज करें कि वो ऐप 2 लाख रुपए की बनती है। अब आपको एक डेवलपर चाहिए कि जो इस ऐप को आपके लिए बना दे। आप डेवलपर के पास गया, आपने कहा यार ये ऐप बनानी है, उसने कहा कितनी एक्विटी दोगे? तो आपने कहा देखो अगर मैं ऐप ये बनवाता बाहर से तो 2 लाख रुपए खर्च होते, ये मेरे पास इसका एस्टिमेट है, मैं तुम्हें 3 लाख रुपए की एक्विटी दे दूंगी, यानी तुम्हें 50% ज्यादा दे दूंगा, फिर आगे कंपनी की जो भी वैल्यू बने तुम्हारी 50%। ये एक अच्छी निगोशिएशन है क्योंकि इसमें आप शेयर्स के ऊपर नहीं बात कर रहे, आप इनकी वैल्यू के ऊपर बात कर रहे हैं, एंड यू नो व्हाट इज द वैल्यू। आप 2 लाख रुपए की क्या कहते हैं ऐप बनवा सकते हैं, आप उसको 3 दे रहे हैं लेकिन आपने कैश पर जान दिया, ठीक है उसको भी फायदा हो गया। आप 4 दे रहे हैं, उसको डबल कर देंगे, तुम 2 लाख की मैं बाहर से बनवाते हैं, मैं 4 लाख के शेयर दूंगा। सो इस टाइप की निगोशिएशन ज्यादा अच्छी यूं होती है कि इसके अंदर फिर वैल्यू आती है कंपनी के अंदर, आपको भी पता होता है कितनी आई है और उसी के हिसाब से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो ये तो था सारा रीकैप हमारी पिछली ट्रेनिंग का। मैं यहाँ पे एक पॉज देता हूँ अगर कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि ये रिक्रूटमेंट कैसे होगी और आप में से जो लोग रिक्रूटमेंट करना चाह रहे हैं वो किस तरह करेंगे। तो ये मैं इसको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर आपने सवाल पूछना है, और या फिर आप टेक्स्ट के अंदर लिख दें अपना सवाल कोई रहता अगर आपके जहन में इस वक्त है तो। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा फौरन बता रहे हैं, अगर है सवाल तो मैं रुकता हूँ, नहीं तो मैं चलता हूँ। अच्छा जी, खुशाल अस्सलाम खान प्लीज अरेंज अ सेशन ऑन एक्विटी। ओके इंशाल्लाह खुशाल खान, कहाफा प्लीज टेक अ नोट ऑन डूइंग सेशन ऑन एक्विटी। जी सदफा, सर। वालेकुम सलाम। जी सर, अगर सदफा, हमारे पास प्रोडक्ट नॉलेज भी है और डेवलपमेंट का भी पता है प्रोडक्ट की और एक्सपीरियंस भी है, अगर फैमिली में किसी के पास उस चीज को, सिर्फ हमारे पास इन्वेस्टमेंट का इशू है अगर, तो इसकी वजह से हम को फाउंडर के बारे में सोच सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का इशू कहीं और से हम कंप्लीट कर सकते हैं, सिर्फ जी तो अगर देखें इन्वेस्टमेंट का इशू हो तो। देखें वैसे तो मैं बेशुमार एंटरप्रेन्योर से मिल चुका हूँ जिनका कहना यही था जो आपने एग्जैक्टली अभी कहा है सदका, कि हमारे पास सब कुछ है बस इन्वेस्टमेंट चाहिए। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन बहरहाल लेट्स अज्यूम कि ये करेक्ट है और आपके पास सारी चीज मौजूद है और आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट किस लिए चाहिए। अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है तो आप प्रोडक्ट बना के कस्टमर के पास जाएं और कस्टमर को बेचें, तो आपको इन्वेस्टमेंट किस काम के लिए चाहिए, ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए चाहिए तो इसका मतलब है कि आपके पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट की नॉलेज नहीं है, आपने किसी को हायर करना पड़ेगा और प्रोडक्ट डेवलप करनी पड़ेगी, राइट? तो इसको फिर आपको, अगर आपके पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट की नॉलेज नहीं है तो आप पैसे के बगैर भी कर सकती हैं। आप अपना को फाउंडर ढूंढें जो प्रोडक्ट डेवलप कर सकता हो आपके लिए, ताकि आपको, देखिए एक इन्वेस्टर जो है ना मार्केट टेस्ट के बगैर पैसे नहीं लगाएगा, बहुत मुश्किल है अनलेस कि आपको पर्सनली जानता हूं। तो अगर तो आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट में कोई इन्वेस्टर नहीं है तो चांसेस ये हैं कि आप पैसे नहीं रेज कर पाएंगे। तो आपके लिए दो तरीके रह जाते हैं, एक तरीका ये रह जाता है कि आप खुद फाइनेंस करें अपने जाती कैश से अगर आप कर सकती हैं, और या आप ऐसा को फाउंडर ढूंढें जो वो काम कर सके जिसके लिए आपको पैसे चाहिए, ठीक है? तो जब तक कि आपने कस्टमर नहीं एक्वायर कर लिया, आपने 2-3 कस्टमर कर लिए, आपके पास पैसे आना शुरू हो गया, फिर इन्वेस्टर आ जाएगा, फिर उसका एक दूसरा रास्ता है, तो ये जरा अपने ध्यान में रखें। अब आपका जो बाकी का सवाल है उसका भी जवाब दे देता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टर चाहिए और आपके पास कोई इन्वेस्टर का एक्सेस नहीं है, तो यू आर बेटर ऑफ टू हैव अ को फाउंडर विद यू जिसके पास इन्वेस्टर का एक्सेस हो, और वो को फाउंडर इसी शर्त के ऊपर एक्विटी उसको मिलेगी कि वो आपके लिए पैसे रेज करेगा। अगर वो पैसे रेज नहीं करेगा को फाउंडर, तो वो उसको एक्विटी नहीं मिलेगी। तो उससे फायदा ये होगा कि अगर वो आके आपके पास करते काम या करती है और वो नहीं डिलीवर कर पाते तो फिर आपकी एक्टिविटी लूज नहीं।
तो इट मीन्स हम इस टर्म्स पे को फाउंडर को जो है ऑन बोर्ड ले सकते हैं कि अगर वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट फेस करने का कोई सोल्यूशन निकाले इन्वेस्टमेंट का. बिल्कुल ले सकते हैं, और उसके ऊपर बल्कि उसकी एक इंडस्ट्री एवरेज भी है. मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि आप अर्ली स्टेज की स्टार्टअप हैं, लेट स्टेज की नहीं है, तो उसकी अर्ली स्टेज के ऊपर आप एनीवेयर बिटवीन 5% to 7% ऑफ द इन्वेस्टमेंट रेज कैन बी गिवन इन एक्विटी. ठीक है, थैंक यू सो मच सर. अच्छा जी, अली शेर कह रहे हैं कि प्लीज एक्विटी का कोई एग्जांपल दे दें. एक्विटी के एग्जांपल ऐसे है, मेरे भाई की एक कंपनी है, अगर फर्ज करें कि उसकी 100 रुपए कीमत है, तो उसके अगर हम 100 शेयर कर दें तो हर शेयर की कीमत 1 रुपया होगी. ये 1 रुपया कहीं से आया है उस कंपनी में, जब इसकी कीमत 100 रुपए हुई. एक्विटी उस रुपए को होल्ड करने का नाम है. तो जो भी लोग उस कंपनी के जो 100 रुपए हैं, उनमें से किसी के पास 25 हैं, किसी के पास 10 हैं, वो जो वैल्यू उन्होंने इस कंपनी के अंदर ऐड की उसके बदले में, तो वो उनकी एक्विटी है. तो ये शेयर होल्डिंग इसको आमतौर पे ज्यादा आसान जबान में कहते हैं. इज इंट लोन बेटर देन एक्विटी सो दैट लेटर यू विल बी 100% ओनर. अली शेर, ये भी सही बात है कि अगर आपके पास पैसे हैं या आप फाइनेंशियल अरेंज कर सकते हैं अर्ली स्टेज के ऊपर, तो आपको यही करना पड़ेगा. इन्वेस्टर का मिलना बहुत मुश्किल है जब तक कि आपके पास कस्टमर, पेइंग कस्टमर नहीं आ जाता. तो यू आर बेटर ऑफ टू बूटस्ट्रैप, मींस कि अपने ही बल के ऊपर जो है, चाहे वो आप फाइनेंसिस के थ्रू, लोन के थ्रू, जिस तरह भी करें और उसको आगे तक पहुंचाएं, और फिर उसके बाद इन्वेस्टर की बात करें. ठीक है जी, आई थिंक आप लोगों के सवाल अब खत्म हो गए हैं. लेट मी गो बैक to the next next segment. ये है recruitment. अच्छा, recruitment का मतलब क्या है कि वो आपको 4 पॉइंट याद है, 5 पॉइंट जो मैंने कहा था कि आप जब तक की रिक्रूटमेंट के लिए नहीं जाएं, जब तक की वो चीजें क्लियर नहीं हो कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, कौन सा कस्टमर है, सारी चीजें ना, तो आई एम एज्यूमिंग कि आप रेडी हैं उसके लिए. अगर आप उसके लिए रेडी हैं तो अब आपने लोगों को बताना है कि मैं किसी को, फाउंडर को रिक्रूट कर रहा हूं या कर रही हूं, उसको लिस्टिंग कहते हैं. लिस्टिंग का मतलब ये है कि जैसे अखबार में इश्तिहार देना कि आई एम लुकिंग फॉर दिस पर्सन, दिस काइंड ऑफ एम्प्लॉई. तो सबसे पहले आपकी एक टाइटल होना चाहिए, जेनेरिक टाइटल यूज करें. डोंट यूज सी लेवल टाइटल कि मैं, मुझे CTO की तलाश है, मुझे CFO की तलाश है, ये सब बेकार बातें हैं, बल्कि आप अपने आप को खामखा परेशान करेंगे. जेनेरिक टाइटल, मुझे एक फाइनेंस के बंदे की तलाश है, लुकिंग फॉर अ फाइनेंस पर्सन, यू नो, लुकिंग फॉर ए टेक्नोलॉजी पर्सन, लुकिंग फॉर, तो आप उसको जेनेरिक टाइटल कर दें. तो उससे ये होगा कि कोई एक्सपेक्टेशन इनिशियली सिर्फ टाइटल्स के साथ सेट नहीं होंगी. बहुत सी कंपनियां इसलिए खराब हो जाती हैं कि शुरू के अंदर सब बड़े बड़े टाइटल लेके बैठ जाते हैं, तजर्बा वजर्बा कुछ होता नहीं है और उसका कुछ मकसद नहीं निकलता. ठीक है, नंबर टू, आपके पास एक शॉर्ट जॉब डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए. बहुत लंबी जॉब डिस्क्रिप्शन कोई स्टार्टअप में नहीं बनाता, क्योंकि स्टार्टअप में एवरीवन डज एवरीथिंग. कोई ये नहीं है कि बड़ी स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन है. अगर कोई आपसे आके पूछता है कि जी मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी और मुझे क्या वो करना होगा, मुझे आप प्रिसाइसली बताएं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी गुड को फाउंडर विद यू. को फाउंडर जो है वो होना चाहिए जो हर काम करने के लिए तैयार हो. ठीक है, नंबर थ्री, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको हाई लेवल पता होना चाहिए कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. जैसे मैंने कहा, प्रोडक्ट की होगी, सेल्स की होगी, ऑपरेशंस की होगी, टेक्नोलॉजी की होगी, फंडिंग की होगी, फाइनेंस की होगी, एक्सेट्रा. आप ये समझ लें फंडिंग में और फाइनेंस में क्या फर्क है. फंडिंग बाहर से पैसे लेकर आने का नाम है, फाइनेंस का मतलब है इंटरनली पैसों को मैनेज करना. ठीक है, अकाउंटिंग उसका एक फंक्शन है. तो आपको एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए कि आप ये जो को फाउंडर लेकर आ रहे हैं, जैसे अभी सबका कह रही थी कि उनको पैसे किस लिए चाहिए, मैंने पूछा तो शायद प्रोडक्ट के लिए. सो दे शी वुड नीड अ पर्सन हु हैज प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस. और लास्ट चीज आपको चाहिए इम्पोर्टेंट, अ गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व. क्योंकि कोई भी आदमी आपके पास आएगा तो वो आपको उसको सिर्फ यही नहीं बताना है कि तुमने क्या काम करना है, आपने उसको प्रोस्पेक्ट्स भी बताने अपने पास,
तो गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मार्केट भी डिफाइन होती है कि जी मैं बैंक्स के लिए ये काम कर रहा हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये तकरीबन 50 मिलियन का बिजनेस होगा या 100 मिलियन का बिजनेस होगा, तो अगर आप मेरे साथ आएंगे तो आपको इसमें फायदा होगा, आपको एडवांटेज होगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर अगर आपने ये वर्कआउट किया हुआ है कि वो जो डिलीवर करेंगे उसकी कॉस्ट कितनी है, तो फिर आप उनको ये भी बता सकते हैं कि देखें अगर हमारी कंपनी, मैं आपको अभी 2 लाख रुपए की ऐप बनानी थी, आपको मैं 4 लाख के शेयर दे रहा हूँ, अगर जैसे हम प्लान कर रहे हैं इस कंपनी का, तो आपने ये जो ऐप हमें बना के देंगे वो जो चार लाख है वो आपके 12 लाख बन जाएंगे, हमारी कंपनी की वैल्यू अप्रिशिएट जैसे हम सोच रहे हैं 3 साल में उनको, सो यू विल गेन अ लॉट फ्रॉम दैट अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो भी तो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, अपनी स्किल्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू हैव टू मेक अ स्टेटमेंट टू देम कि आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके बदले में आपको क्या ROI मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास पहले आपने सोच लेना है किसी भी बात करने से पहले कि आप इसको बोलेंगे क्या टाइटल है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आप कोशिश कर रहे हैं करने की। दूसरा पार्ट आपकी रिक्रूटमेंट की प्रिपरेशन का है कि आप ऑफर क्या करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आप इक्विटी ऑफर कर सकते हैं, आप कैश ऑफर कर सकते हैं, आप रिकग्निशन ऑफर कर सकते हैं, आप बार्टर ऑफर कर सकते हैं, अब सब चीजें आपके पास हैं, आप उसको क्या देना चाहते हैं। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि वो जो आदमी है उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो आपके साथ क्या करना है। कुछ लोग आपको, क्योंकि आपका आइडिया बहुत अच्छा है और आप बहुत एक्साइटेड हैं उसके बारे में, कुछ लोग ऐसे ही आपकी मदद करना चाहेंगे, तो आप उनको एज अ मेंटोर ला सकते हैं, आप उनको एडवाइजरी बोर्ड के ऊपर लेकर आ सकते हैं और आप उनसे उनके तजुर्बे से फायदा उठा सकते हैं, उनको थोड़ी सी एक्टिविटी देकर। दूसरा काम आपने ये करना है ऑफर के लिए कि आपके पास फुल लिस्ट ऑफ पोटेंशियल शेयर होल्डर होनी चाहिए, जो आप उनके सामने रखेंगे कि जी मैं आपको इतनी जो एक्विटी दे रहा हूं, ये आप समझ लें कि आप अकेले नहीं है बल्कि इसके साथ ये 10 लोग और हैं जिनको कहते हैं उनको देनी पड़ेगी एक्विटी। फिर टाई एक्विटी विद मेजरेबल रिजल्ट्स, आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 लाख रुपए की ऐप बन रही है उसमें 3 महीने लगेंगे, तो 3 महीने के बाद आप उनको वो एक्विटी देंगे जब वो ऐप डिलीवर कर देंगे। अगर आपको पता नहीं है कि उनके रिजल्ट्स मेजर कैसे होंगे, तो ये आपको पहले लर्न करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर को हर चीज लर्न करनी पड़ेगी, सो यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हाउ द रिजल्ट्स विल बी मेजर्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया वेयर यू आर हायरिंग समबडी। एंड द लास्ट थिंग इज बी रेडी टू बी फ्लेक्सिबल इन योर ऑफर, क्योंकि ये एक निगोशिएशन है जिसमें आप बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, एंड देन बेस्ड ऑन द डिस्कशन यू विल डिसाइड, ठीक है। सो ये आपकी रिक्रूटमेंट रेडीनेस कह लें, उसके अंदर आपके पास लिस्टिंग तैयार करना है और ऑफर तैयार करना है, ये 2 चीजें आप रेडीनेस में चाहिए। अब आपने जो बंदा लेना है या बंदी जिसको आपको हायर करना है, उसके अंदर कुछ चीजें आपने देखनी है, कौन एक गुड को फाउंडर हो सकता है। आपके पास एप्लीकेशन आना शुरू हो गई, लोग कह रहे हैं कि मैं आपके साथ काम करना चाह रही हूँ, चाह रहा हूँ, तो आपने क्या चीजें देखनी है। नंबर 1 के वो बंदा या बंदी आपके आइडिया के बारे में थ्रिल्ड है कि नहीं। अगर वो आपके आइडिया के बारे में थ्रिल्ड नहीं है तो वो खाली पैसे बनाने के लिए आ रहा है, तो इट्स नॉट गोना बी अ गुड कहते हैं अपना कैंडिडेट। हमेशा देखें कि इवन अगर कोई टेक्नोलॉजी का बंदा ला रहे हैं, कोई प्रोडक्ट का बंदा ला रहे हैं, कोई फाइनेंस का बंदा ला रहे हैं, अगर वो ऑलरेडी उसी फील्ड से ताल्लुक रखता है जिसमें कस्टमर्स हैं, वो ज्यादा बेहतर बंदा है आपके लिए। बनस्बत उसके, मिसाल के तौर पे अगर आप रियल इस्टेट का कोई किसी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं रियल इस्टेट के लिए, और आप फाइनेंस का बंदा लाना चाह रहे हैं, तो ऐसा बंदा जिसने रियल इस्टेट के अंदर फाइनेंस का काम किया हो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा बनस्बत खाली सिंपली फाइनेंस का बंदा लाना, तो यू कैन गेट डबल द बेनिफिट फ्रॉम द सेम पर्सन। नंबर 3, समबडी हु डज नॉट नीड कैश राइट अवे, कैश तो ही नहीं आपके पास, ज्यादा अगर कोई बंदा आ रहा है कि यार हफ्ते 10 दिन में महीने में आप तो कैश देने शुरू कर देंगे, तो वो तो आपके पास है ही नहीं। सो बी केयरफुल, अगर किसी को कैश की अर्जेंट नीड है तो आप उनको बता दें कि यार ये सुटेबल नहीं होता। नंबर 4, दे ऑनर देयर कमिटमेंट, उनके उनकी कोई आपको पता है कोई बातें उनकी, या आपने फाइंड आउट किया है कि वो वाकई में दे ऑनर देयर कमिटमेंट एंड दे आर हार्ड वर्किंग, ये अगर 2 चीजें नहीं है तो आप उनको कुछ भी कर लेना तो फिर आपके लिए मुश्किल होने वाली है। एंड लास्ट
पार्ट इज जो सबसे आखिर में मैंने लिखा है कि इनफ एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब इनफ एक सब्जेक्टिव टर्म है, यू विल हैव टू डिसाइड कि इनफ कितना है. एक साल का एक्सपीरियंस भी इनफ हो सकता है और 20 साल का भी नहीं हो सकता. सो इट्स अप टू यू, यू शुड नो कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. ठीक है जी, ये आपने देखना है जब आपके पास लोग आना शुरू हो. जब आपके पास लोग आएंगे और आप उनसे बातें करेंगे, एट सम पॉइंट यू विल हैव टू पुट अ कॉन्ट्रैक्ट इन फ्रंट ऑफ देम. द कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली बिटवीन द को फाउंडर एंड द कंपनी, ओके, नॉट बिटवीन टू को फाउंडर्स. इट इज बिटवीन ए को फाउंडर एंड द कंपनी. इट्स नॉर्मली कॉल्ड अ वेस्टिंग एग्रीमेंट, विच इज अ कमिटमेंट टू ऑफर शेयर्स इन योर कंपनी इन रिटर्न फॉर मेजरेबल रिजल्ट्स. ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं जिसकी बुनियाद पे आपको आप उनको इक्विटी देते हैं. उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर टाइम कमिटमेंट है तो उसके हिसाब से लैंग्वेज होगी, और डिलीवरेबल कमिटमेंट है तो उसके हिसाब से लैंग्वेज होगी. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर कॉन्ट्रैक्ट इज करेक्टली डन. उसके साथ ड्यूरेशन ऑफ द कमिटमेंट, ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप किसी को फाउंडर को ला रहे हैं और उससे कोई कमिटमेंट ले रहे हैं तो वो 3 साल की मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो 6 महीने में भाग जाएंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि स्टार्टअप के अंदर सारी की सारी चीजें पीपल डिपेंडेंट होती हैं. और कोई 6 महीने के बाद भाग जाए और आप एक क्रिटिकल स्टेज के ऊपर हों तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. लास्ट चीज कि दे आर विलिंग टू साइन अ नॉन डिस्क्लोजर एंड नॉन कम्प्लीट एग्रीमेंट. नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का मतलब ये है कि वो आपकी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, इवन आपको छोड़ने के बाद भी एक खास अरसे तक की 1 साल या 2 साल के लिए वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे. इसी तरह आपको छोड़ने के बाद भी वो 1 साल 2 साल डायरेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर नहीं आएंगे, यानी आपको छोड़ के जाके कोई और कंपनी बना के वही काम ना करना शुरू करेंगे. तो ये आपकी रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक चीजें. जाहिर सी बात है कि दिस इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, यू शुड हैव अ लीगल एडवाइजर, यू शुड गेट इट डन प्रोफेशनली. इसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, मैं दोबारा से 2-3 पॉइंट को स्ट्रेस करना चाह रहा हूं कि स्टार्ट लुकिंग फॉर को फाउंडर एज सून एज यू आर श्योर अबाउट योर आइडिया. देर करने की जरूरत नहीं है, जितनी जल्दी वो ऑन बोर्ड आएंगे उतना ज्यादा वो आपके साथ क्या कहते हैं जल होंगे. दूसरा ये कि योर कंपनी एज अ लीगल एंटिटी मस्ट एग्जिस्ट, क्योंकि अगर आपने उनको लेकर आना है, कोई इक्विटी का प्रॉमिस करना है, तो आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है. वेस्टिंग एग्रीमेंट साइन करने के लिए आपकी लीगल एंटिटी होनी चाहिए. You have consulted with a legal expert on your agreement. तो आप खाली अपने तरीके से इंटरनेट से डाउनलोड करके इस तरह करके ना करने की कोशिश करें, बल्कि प्रॉपर लीगल एक्सपर्ट के साथ बात करें. एंड देन यू नो योर सेल्फ वॉट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द को फाउंडर. जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको नहीं पता है कि उनके मेजरेबल रिजल्ट क्या होंगे, देन जस्ट गो एंड लर्न फर्स्ट. तो यू शुड नो योर सेल्फ कि आप उसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. वो नहीं बताएंगे कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या एक्सपेक्ट करना है. वो अगर आपको बताएंगे कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. या तो आपके पास एक थर्ड अनबायस सोर्स होनी चाहिए जो आपको बताए कि उनसे क्या एक्सपेक्ट करना है. ठीक है, अब जो लास्ट सेक्शन है इसका, वो प्रैक्टिकल पार्ट है इसका, आज की ट्रेनिंग का, कि आप आइडियोलॉजिस्ट पे कैसे करेंगे ये काम. अब आप आइडियाजिस्ट के मेंबर हैं, आप आइडियाजिस्ट के ऊपर ये सब काम कर रहे हैं. यू कैन एक्चुअली डू ऑल दिस ऑन आइडियाजिस्ट. तो आइडियाजिस्ट के अंदर आप अपनी एक को फाउंडर की लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको. यू कैन शेयर इट ऑन सोशल मीडिया, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स. यू कैन फीचर योर लिस्टिंग ऑन आइडियाजिस्ट कम्युनिटी, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं. और उसके बाद ये सब करने के बाद, बी अटेंटिव, लुक एट एवरी लिस्टिंग, योर लिस्टिंग एवरी डे एंड रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज. तो नाउ मैं यहां से आपको अब एप्लीकेशन में ले जाऊंगा. उससे पहले मैं एक ब्रेक लेता हूं, आप लोगों से पूछता हूं कि अगर कोई सवाल है इसके ऊपर तो वो उनके हम जवाब दे लें, उसके बाद हम प्रैक्टिकली देखें कि इसको आप कैसे करेंगे. आप अपने माइक को जो है आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन करना है. अच्छा जी, जरदाला बख्श. इससे पहले भी कोई क्वेश्चन है? अच्छा,
बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के आ गए हैं, मेरे लिए मुश्किल होता है इसको जरा स्क्रॉल करना। एक मिनट ठहरे, मैं जरा स्क्रॉल करके देखता हूँ कि आप क्या कह रही हैं। सर कोई को फाउंडर अवेलेबल ना हो तो आईडीएज इस प्लेटफॉर्म हर कर हेल्प कर सकता है, इसके जवाब मैं आपको अभी देने वाला हूँ को फाउंडर ढूंढने में। सर इज इट पॉसिबल टू हैव अ वन टू वन डिस्कशन विद यू? वी हैव आई हैव सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग को फाउंडर एंड इक्विटी सिस्टम, आई वुड बी वेरी थैंकफुल। ये हो सकता है, आप प्लीज मुझे अलग से मैसेज भेज दीजिएगा सर का, मैं आपसे बात कर लूंगा इंशाल्लाह। लेकिन बहुत लंबी बात नहीं कर सकता, तो स्टे टू द टॉपिक। जरलाला अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू प्रोवाइड दिस प्रेजेंटेशन? यस, ये पूरी वीडियो आपको अवेलेबल होगी सर। वो स्मॉल आइडिया के लिए लाइक स्टार्ट कर दिया या नहीं? रूच स्मॉल आइडिया वाला जो डेडलाइन थी वो आई थिंक फ्राइडे की थी या सैटरडे की थी, मुझे याद नहीं है सबमिशन की। तो अब आपको इंशाल्लाह आज या कल के अंदर मैसेज मिलेगा उसके हवाले से। अकॉर्डिंग टू यू हु डज नॉट नीड अ को फाउंडर? मेरे ख्याल में अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, को फाउंडर होना बहुत अच्छा है आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इस वजह से मैं तो सबको ये सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि कोई भी आदमी सारे काम नहीं कर सकता, लिहाजा बेहतर है कि आप प्रॉपर अपने स्ट्रक्चर बना के और उसके अंदर अपने को फाउंडर से ले सकें। ओके जी, किसी ने सवाल और कोई करना है या मैं अब आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं कि आइडियाज आपकी कैसे हेल्प कर सकता है? नहीं है? ओके, ऑल राइट। यहां से फिर अब हम आईडीजी प्लेटफॉर्म पे चलेंगे एंड यू कैन एक्चुअली फॉलो द स्टेप्स इफ यू लाइक। उसमें आपको आसानी होगी अगर आप चाहें तो। तो आपके सब इन कामों के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि आप अपने आइडिया की एक तो वो कॉपी है जो आप आइडिएशन के स्टेज के ऊपर, क्योंकि जिससे आप सारी डिटेल कर रहे हैं वहां पे रखी हुई आपने, लेकिन आप अपने आइडिया की एक कॉपी यहां रखें केजीएसपी के ऊपर, और उसके अंदर आप डिटेल ना डालें, उसके अंदर सिर्फ सिंपली प्रॉब्लम स्टेटमेंट डालें जो आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन, ज्यादा नहीं। यहाँ लेफ्ट के ऊपर हेल्प वांटेड का मेन्यू है, आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ऐड लिस्टिंग का ऑप्शन है। आप ऐड लिस्टिंग के लिए जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन नजर आएगा को फाउंडर ये तीन मेंबर, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपसे आपके सामने ये डिटेल आ जाएगी। पहले वो आपसे पूछेगा किस आइडिया के लिए, तो आप ये इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे आइडियाज आ जाएंगे, आप सेलेक्ट कर लेंगे कौन से आइडिया के लिए आप टीम मेंबर ढूंढ रहे हैं। उसके बाद आप इसका टाइटल रखें, तो आप जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्ट डेवलपर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर बेसिक नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट to develop a web application for insurance industry। सर से ही आप दे रहे हैं, इसके साथ आप थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, मस्ट हैव थ्री और मोर इयर्स एक्सपीरियंस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और मजीद जो भी आपने करना है मोबाइल
friendly website. Anyway, आपने दे दिया, अगर इसके साथ आपने कोई इमेज एड करना है तो आप कोई इमेज भी एड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. तो जबकि मैं इसके साथ कोई इमेज लोड कर लेते हैं. ओके, प्रोडक्ट तो बंदा चाहिए हमें, प्रोडक्ट फोकस है. टाइम कमिटमेंट अगर चाहिए हमें तो यहाँ पे लिख सकते हैं. तो फर्ज करेंगे मैं कहता हूँ जी 10 आवर्स पर वीक, और हम इक्विटी देंगे और 1,000 शेयर आउट ऑफ 1,000,000 शेयर फॉर एवरी आवर. ठीक है, ये मैं इसको ऑफर कर रहा हूँ, हम इसको सेव कर देते हैं. जब मैं सेव करूंगा तो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी. इसका ये पेज आ गया, इसमें लिखा हुआ है और ये लोगों को नजर आता रहेगा इसका कि क्या आइडिया है हमारा. वो इस पर क्लिक कर सकते हैं, आइडिया पे क्लिक करके आइडिया को देख सकते हैं, सारी चीजें अवेलेबल है. सो उसके बाद जो इंटरेस्टेड होगा वो इस पर आके क्लिक करेगा इंटरेस्टेड पे, तो उसका इंटरेस्ट रजिस्टर हो जाएगा. लोग मैसेज दे सकते हैं आपको, क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर, वो आप क्वेश्चन से जवाब दे सकते हैं. इसके बाद आपके पास इसका एक, इसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगा. ये लिंक आप सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं या आप अपने दोस्तों को भेज सकते हैं. तो अगर ये लिंक आप किसी को भेजेंगे और वो उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो यहाँ आएगा. यहाँ पे उसको आपको आपकी लिस्टिंग नजर आएगी, ये आपकी लिस्टिंग नजर आ रही है. और क्या कहते हैं अपना, यहाँ पे वो कमेंट पोस्ट कर सकता है या पूरी डिटेल देखने के लिए वो लॉग इन हो सकता है और देख सकते हैं, मतलब बाकी चीजें देख सकता है. तो ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होगी है. अगर इसको आप सोशल मीडिया पे जाके शेयर करेंगे तो ये टोटल सोशल मीडिया फ्रेंडली है. तो अगर मैं फेसबुक पे जाऊं और इसी URL को शेयर करूं यहां पर, तो खुद बखुद ही आपकी जो लिस्टिंग है उसकी पिक्चर विक्चर सारी चीजें इसमें आ जाएंगी. प्लीज म्यूट कर लें अपने माइक्रोफोन. जी सर. रोज आप माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए प्लीज. ओके, तो जैसे ही मैंने इसको शेयर किया, मेरी पिक्चर जो पिक्चर थी मेरे पेज की वो यहाँ पर आ गई. यू नो, थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिखी भी आ गई. तो मैं सोशल मीडिया पे भी इसको सेफली शेयर कर सकता हूँ. मेरे दोस्त उससे क्लिक करके पहुंच सकते हैं अपनी अपनी यू नो, एंड दे कैन सी द लिस्टिंग. ठीक है. अच्छा, जब वो इंटरेस्ट शो करेंगे तो आपके पास मैसेज भी आएगा और आप जो है वो रोजाना आके अपनी लिस्टिंग को देख भी सकते हैं. आपको यहाँ काउंटर पे नजर भी आएगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड नहीं है, कितने लोगों ने व्यू किया. फिर आप जो मैसेजेस आ रहे हैं आप उनको डिलीजेंटली जवाब दें. कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है इन्फॉर्मेशन की तो आप वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें इसको. ठीक है ना. तो ये आपका क्या कहते हैं अपना बेसिक एंट्री क्रिएट होगी. अब इससे आगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब लोग आएंगे तो फिर जाहिर है आपको उनसे बात करनी है. आपको डिसाइड करना है कि वो आपके साथ काम करने के काबिल हैं या नहीं है, और उन्होंने डिसाइड करना है कि वो आपके साथ काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते. तो ये तो होगी बेसिक लिस्टिंग और इसको फिर आप ऐसे शेयर कर सकते हैं. इसके अलावा आप एक और काम भी कर सकते हैं. आप यहां पर अपनी अपॉर्चुनिटी के इस मेन्यू पे आए. आप जब भी कहीं पे भी ये मेन्यू एक्शन का आएगा, आप अगर अपने माउस को इस डाउन एरो पर लेकर आए तो आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे. उसमें से एक ऑप्शन है मेक फीचर्ड. जब आप मेक फीचर्ड के ऊपर जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि आप कितने दिन के लिए इसको फीचर करना चाहते हैं. तो आप सेलेक्ट कर लेंगे जी मैं आज से लेकर और
17 तारीख तक की इसको करना चाहते हैं, ठीक है ना। फिर वो आपसे पूछेगा कहाँ आपको करना है, तो आप कहेंगे मुझे मेन डैशबोर्ड पे फीचर करना है। तो अच्छा, यहाँ पे आपको कॉस्ट नहीं लिखी हुई आ रही है क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, लेकिन आपको कॉस्ट लिखी हुई आएगी, उसमें पॉइंट्स होंगे, तो आप अपने पॉइंट्स इस्तेमाल करके फीचर कर सकते हैं। फीचर जब आप करेंगे तो क्या होगा कि वो यहाँ जैसे ये नजर आ रहा है कॉन्टेंट, जैसे ये मेरा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ऐसे ही ये फीचर जो है आपका यहाँ पे आइटम आ जाएगा और वो सब लोगों को नजर आएगा। जब वो आएंगे तो आपकी लिस्टिंग यहाँ पे सब लोगों को नजर आएगी, जैसे आप एडवर्टाइज करते हैं फेसबुक पे या किसी पे, बिल्कुल इसी तरीके से। सो यू कैन एडवर्टाइज योर को फाउंडर यू नो अपॉर्चुनिटी, जिससे आपके सारे लोगों को जो आपके नेटवर्क में है, इस कम्युनिटी में, के जीएसटी पे 16,000 लोग हैं जो क्या कहते हैं अपना स्टार्टअप पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्टेड हैं और काम कर रहे हैं, तो बेशुमार लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। आप यहाँ पे इसको फीचर करें और फिर देखें 2-4-5 दिन में आपको उसका रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। सो ये था टोटल आज की हमारी क्या कहते हैं अपना ट्रेनिंग, जिसमें मैं ये चाह रहा था कि आपको ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दोबारा से रिफ्रेश भी हो जाए और फिर नाउ यू नो हाउ टू स्टार्ट लुकिंग फॉर को फाउंडर, और फिर आप उसके बाद यू हैव टू इनवाइट देम टू दिस लिस्टिंग, यू हैव टू आस्क देम टू यू नो, जब आपके पास एक जगह आ गई है तो फिर आप वो लोग खुद ही जिनको इंटरेस्ट होगा वो आपसे इंटरेस्ट, वो आपको कहेंगे कि मैं इंटरेस्ट है आपके इस आई इसको फाउंडर की लिस्टिंग में, और प्लीज ट्राई टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन। मैंने तो बहुत ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पर, लेकिन यू शुड प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन वेरी क्लियरली कि आप क्या चाह रहे हैं उनसे, कि वो क्या करेंगे, उसकी डिटेल देना बहुत जरूरी है। अपने बारे में भी थोड़ा बताएं तो अच्छी बात है, पहले अपने बारे में बताएं, थोड़ा सा डिटेल दें अपने आइडिया के बारे में थोड़ी सी, और थोड़ा सा इसमें क्या कहते हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल दें, ताकि जब वो ये पढ़ें तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह से मिल जाए। ठीक है जी, तो इसके साथ ही अब मैं क्वेश्चन एंड आंसर पे आ जाता हूँ। बाकी ये तो आप लोग खुद भी ट्राई करते रहेंगे, आप लोग ज्यादा स्मार्ट हैं कंप्यूटर के मामले में मुझसे, सो यू कैन अच्छा कुछ कह रहे हैं कि मुझे आवाज नहीं आ रही है, क्या आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? अच्छा जरलाला, यस यू कैन फीचर योर आइडिया टू, आप अपने आइडिया को भी फीचर कर सकती हैं, आप अपने को फाउंडर की लिस्टिंग को भी फीचर कर सकती हैं, और अगर ब्लॉग लिख रही हैं आप तो ब्लॉग को भी फीचर कर सकती हैं। अच्छा जी अली शेर सर, इन्वेस्टर और को फाउंडर में क्या फर्क है, और इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट भी एक्विटी होती है? जाहिर सी बात है इन्वेस्टर की भी एक्विटी होती है, को फाउंडर और इन्वेस्टर में फर्क क्या है? देखिए आपकी कंपनी के अंदर जो वैल्यू है वो है जो चीजें आप उस कंपनी में डाल रहे हैं, यानी अगर आपने कोई पंखा खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, आपने जनरेटर खरीद लिया, ये आपकी कंपनी में एक वैल्यू आ गई, एक एसेट क्रिएट हो गया, फिक्स एसेट राइट। इसी तरह जब आप कोई काम कर रहे हैं तो आप कुछ उसका वर्क प्रोडक्ट है, वो आपके एसेट्स हैं, समटाइम वो टेंजिबल है समटाइम वो इनटेंजिबल है, तो वो एसेट्स जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसको क्रिएट करने के लिए या तो कोई आदमी अपना टाइम और एफर्ट लगा रहा है उन एसेट्स को क्रिएट करने के लिए, या आप किसी से पैसे लेकर किसी को दे रहे हैं पैसे कि वो आपके लिए क्रिएट कर दें। इन्वेस्टर जो है वो बेसिकली आपको पैसे देता है ताकि आप किसी और आदमी से, थर्ड पार्टी से वो काम करवा लें जो आप खुद नहीं कर सकते, तो इन्वेस्टर की डिमांड भी एक्विटी होती है, वो भी इन्वेस्ट कर रहा था आपकी कंपनी में, और को फाउंडर भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा होता है तो टेक्निकली वो भी इन्वेस्टर है। को फाउंडर कैश नहीं दे रहा होता, आपका टाइम और उसके प्रोडक्ट दे रहा होता है, और इन्वेस्टर आपको कैश दे रहा होता है, ये फर्क। एनी अदर क्वेश्चन? Okay, so I think that questions you guys will be able to access this presentation.
वी विल सेंड एन ईमेल विद द लिंक, तो आप बाद में भी देख सकेंगे, और अगर आपको बाद में कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप यकीन पूछ सकते हैं एज यूजुअल। आज मैं आपको और इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा था एक और हमारे पार्टनर से, उनका नाम है जहांजेब सरफराज। और जहांजेब अगर आप अभी हैं तो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा और अपने माइक्रोफोन को भी अनम्यूट करके अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें। जहांजेब जो हैं अगले हफ्ते से मेरे साथ मिलके आपको जो हमारे ट्रेनिंग के सेशंस होते हैं उसके अंदर हेल्प कर रहे होंगे। ये आपको माशाल्लाह इनका खुद का बहुत एक्सपीरियंस है जो भी ये बताएंगे अपनी डिटेल्स, तो सो ही विल बी वन ऑफ योर टीचर्स। तो प्लीज जहांजेब गो अहेड, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। अपने जो लैपटॉप की स्क्रीन है उसको थोड़ा सा नीचे टिल्ट कर लें क्योंकि आपकी फेस पूरा नहीं आ रहा है। जी जी अब बेहतर है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। जी गो अहेड जहांजेब प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम जहांजेब सरफराज है। आई हैव वर्क्ड ऑलमोस्ट 32 इयर्स इन आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। तो पहले 12 इयर्स आई वाज वर्किंग फॉर एरिक्सन, स्वीडिश टेलीकम्युनिकेशन जॉइंट, एंड इन 2000 आई लेफ्ट माय जॉब विद एरिक्सन एंड आई स्टार्टेड माय कंपनी बाय द नेम ऑफ कॉम कंसल्ट, जो अभी भी चल रही है, इट्स रनिंग एंड इट्स डूइंग वेरी वेल। देन इन 2007, आफ्टर 7 इयर्स ऑफ ओपनिंग माय फर्स्ट कंपनी, इन 2007 आई ओपन माय सेकंड वेंचर, आई लॉन्च माय सेकंड वेंचर विद नोकिया मोबाइल फोन्स, और वो वेंचर था हमारा आफ्टर सेल्स सपोर्ट का। सो नोकिया की नेशन वाइड आफ्टर सेल्स सपोर्ट हमारे पास आई 2007 में, and we I built that organization from scratch. ये दोनों organization scratch से built की मैंने, and that organization is also doing very well. Currently I'm venturing into two technology companies, जिनको मैं इस वक्त तो आपसे शेयर नहीं करूंगा, but आपकी दुआओं की जरूरत होगी। So those two technology companies are also purely in fintech space. और अभी इंशाल्लाह आई विल बी टॉकिंग टू यू इन कमिंग फ्यूचर। मैं हसन सैयद साहब को असिस्ट करूंगा, हेल्प आउट करूंगा इन फर्दर ग्रूमिंग यू, इन शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस, इन आंसरिंग योर क्वेरीज। इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड इंशाल्लाह व्हेन यू विल टेक स्मॉल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन, as long as your direction is right, inshallah you will get there. सबसे important चीज ये है कि set your direction and then stay focused. And to me there is no failure when it comes to business. You will get hurdles, you will get knocked down, और अगर आप में हिम्मत है दोबारा खड़े होने की तो you will never fail. There is no failure in the business, I think, as long as your idea is right and you're moving in the right direction. And inshallah, I will share my experiences with you, and I think I'll be teaching you as well. So looking forward to it, and thank you very much, Hasan sir, for offering me this opportunity. अगर कोई questions हैं, किसी ने कुछ पूछना है, तो I'm here, please. Thank you, Jahanzeb. Jahanzeb, as I said, is going to be your teacher. So next week, say inshallah, he'll be. You know, doing a lot of trainings for you guys. So आप इनसे ज्यादा बेहतर तरीके से मुतारिफ हो जाएंगे कुछ दिनों में, जैसे जैसे अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। सो विद दैट थैंक्स एवरीबॉडी, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक की ट्रेनिंग जो है वो भी काफी इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में कल आपको पता चलेगा। स्टे ट्यून फॉर दोस्त, थैंक यू एंड सलाम अलैकुम।
यस सदता, मैं आप ही का नंबर वो चैट स्क्रीन से कॉपी कर रहा था आपको कॉल करने के लिए. सो जस्ट गिव मी अ मिनट, इंशाल्लाह आई विल कॉल यू. ओके, थैंक यू सो मच. ओके, नो प्रॉब्लम. लास्ट डे.